ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਗੱਲਾਂ ਲਈ ਸੁਣਾ ਰਾਜ ਤੂੰ ਛੱਡੀ ਨਾ ਮੈਂ ਜਾਊਂਗੀ ਕਿਧਰ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਸਫ਼ਰ। वेलकम बैक डियर सब्सक्राइबर। तो आज के वीडियो पर मैं आपको दिखाने वाला हूँ, अभी जो आपने प्रीव्यू में वायरल रील वीडियो देखा उससे हम कैसे एडिट कर सकते हैं कैपकट के अंदर। बहुत ही कमाल का वीडियो लग रहा था जिसमें कि स्काई भी बहुत ही सही तरीके से एडिट किया गया था, कलर ग्रेडिंग भी बहुत ही सही से। तो ये सारा एडिटिंग मैं आपको आज करके दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना एंड अब अपनी वीडियो को जल्दी से स्टार्ट कर लेते। तो सबसे पहले कैपकट एप्लीकेशन को ओपन करेंगे एंड आपको पता होगा कैपकट को यूज करने के लिए वीपीएन की रिक्वायरमेंट होती है, तो वीपीएन से कनेक्ट हो जाना। नाउ न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर हम क्लिक करेंगे, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी वीडियो को ऐड करना है। ओके, अब वीडियो जो आपकी होगी ना वो मीन्स ज्यादा ड्यूरेशन का हमें नहीं चाहिए, ठीक है, थोड़ा सा ही आप इस तरीके का शूट कर लेना। नाउ इसे ऐड कर लेना। तो आप देख सकते हो वीडियो में ज्यादा कुछ नहीं है, जस्ट हमें क्या करना है कहीं पर खड़ा हो जाना है एंड देन उसके बाद थोड़ा सा अगर आप कोई मोशन करना चाहते हो तो वो कर सकते हो, जैसे कि इसने अप से डाउन कि अपने हेड को इसी तरीके से आप भी कर लेना, ठीक है, या फिर कोई और अगर आपको अच्छा लगे तो वो आप कर सकते हो। ओके, नाउ ये करने के बाद आपको सिंपली से इसके ऊपर टैप करना होगा, स्पीड के ऊपर क्लिक करना होगा, देन हम कर्व के ऊपर आते हैं, ठीक है। कर्व के ऊपर आएंगे, कस्टम के ऊपर क्लिक करेंगे, एडिट के ऊपर क्लिक करेंगे एंड यहां पर स्टार्टिंग में थोड़ा मैं इसे स्लो कर देता हूं, देन उसके बाद एंडिंग में स्लो कर देते हैं दोनों पार्ट को, ताकि हमारी वीडियो का ड्यूरेशन थोड़ा बढ़ जाए, जैसे कि 15 सेकंड का हो गया तो काफ़ी सही लगेगा। तो मैंने यहाँ पे 15 सेकंड तक इसे मूव करवा दिया, देन डन करते ना उसके बाद मैं यहाँ पे इसे डन करता हूँ। तो आप देख सकते हो ये 15 सेकंड तक का हमारी वीडियो हो गया, तो काफ़ी सही लग रही है, ठीक है। देन उसके बाद आपको क्या करना होगा, इसे कॉपी करना है। तो कॉपी करने के लिए हम स्क्रॉल करेंगे, कॉपी कर देंगे ना, उसके बाद इसके ऊपर टैप करेंगे एंड इसे ओवरले में हमें लेके आना है। सो ओवरले में लेके आने के लिए ओवरले के ऊपर टैप कर दिया, ओवरले में आ गया ना। इसे पूरे वीडियो का स्टार्टिंग में आपको ऐड कर देना होगा कुछ इस तरीके से। ओके, तो मैं इसे पूरा स्टार्टिंग में लेके आता हूँ, देन उसके बाद आपको इसके ऊपर टैप करना है। उसके बाद यहाँ आपको एक रिमूव बैकग्राउंड का ऑप्शन मिल रहा होगा, ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, थोड़ा सा हम यहाँ पे वेट करेंगे, देन आपके वीडियो का बैकग्राउंड को रिमूव कर दिया जाएगा ना। इससे बेनिफिट क्या होने वाला वो मैं आपको बताता हूँ, तो ये आपको कर लेना है, ठीक है। देन उसके बाद आपको मेन वीडियो के ऊपर क्लिक करना होगा एंड यहाँ पे फिल्टर वाला आपको एक ऑप्शन मिलता है, जैसे कि फिल्टर एंड एडजस्ट, तो एडजस्ट के ऊपर हम आएंगे, अपने ब्राइटनेस को यहाँ से कम करेंगे। ओके, देन उसके बाद यहाँ पे एक्सपोजर को भी आपको कम ही कर देना ना, उसके बाद यहाँ सेचुरेशन को भी आपको बिल्कुल कम कर देना। तो आप देख सकते हो बैकग्राउंड जो है वो हमारे कुछ इस तरीके से हो गया, बट हमारे अपने जो फेस ये सब है वो सही तरीके से है, ठीक है। तो हमें सिर्फ बैकग्राउंड को ब्लैक करना, अपने फेस को नहीं करना, इसीलिए जस्ट मैंने उसे रिमूव करके आपको दिखाया बैकग्राउंड को। ओके, तो ये करना एंड अगर लगे यार ब्राइटनेस को ज़्यादा ही कम हो गया तो आप इतना रख सकते हो, मीन्स ब्राइटनेस को कम करना वो रिक्वायर्ड नहीं है, सेचुरेशन को कम करना होगा ताकि हमारे कलर खत्म हो जाए, ठीक है। तो इतना कर लेना, देन कॉन्ट्रास्ट को आप थोड़ा इंक्रीज कर देना, काफी अच्छा लगता है ना। उसके बाद जो मेन चीज है वो है विंटेज, विंटेज को भी आप यहां से इनेबल कर देना, कुछ इतना ही इंक्रीज करना, 25-30 के बीच में आप कर देना, ठीक है। तो देखो जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो एक सेचुरेशन एंड एक विंटेज है, बाकी और भी चीज यहां पे है, इन सभी को आप एडिट करना चाहो तो कर सकते हो ना। इतना करके हम डन करते हैं, ठीक है, इतना हमने कर लिया जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, ठीक है ना। उसके बाद हमें यहाँ पे ओवरले के ऊपर क्लिक करना है एंड एक पीएनजी ऐड करना होगा मून वाला, सो फोटो के ऊपर हम क्लिक करते, देन उसके बाद यहाँ पे ये पीएनजी को हम सेलेक्ट करते, ऐड के ऊपर क्लिक करते। अब बोले अगर ये पीएनजी हम कहाँ से लाएं, तो देखो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से तो डाउनलोड कर ही सकते हो, साथ ही में आपको गूगल में भी बहुत सारे मिल जाएंगे, जस्ट आपको सर्च कर देना मून पीएनजी, बहुत सारे आ जाएंगे, ठीक है। तो इसे हम ऐड करेंगे, ड्यूरेशन पूरा वीडियो के लास्ट तक कर देंगे, लास्ट तक कर दिया एंड इसे ये बेस्ट वाला पार्ट को डिलीट कर दूँ ना। उसके बाद इसे क्लिक करते एंड स्प्लाइस के ऊपर आते और फिल्टर को सेलेक्ट करना, ठीक है। फिल्टर को सेलेक्ट करने से ना अच्छे तरीके से आपको ये बैकग्राउंड हट जाएगा, देन डन करना एंड यहाँ पे आप अपने स्काई में इसे एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो काफ़ी सही तरीके से एडजस्ट हो गया, आप चाहो तो इसका साइज को भी थोड़ा इंक्रीज कर सकते हो। ओके, तो इस तरीके से आपको एडजस्ट करना है, देन यहाँ पर आपको बर्ड वाला भी लेके आना होगा, तो बर्ड वीडियो का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एड ओवरले के ऊपर टैप करेंगे, वीडियो वाले में आएंगे एंड देन उसके बाद यहाँ से हम अपनी वीडियो को सेलेक्ट कर लेंगे बर्ड वाला, ठीक है। तो ये वाला वीडियो आपको डाउनलोड करना है डिस्क्रिप्शन से, इसे ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद यहाँ पे आपको मास्क का एक ऑप्शन मिलेगा, तो मास्क के ऊपर क्लिक करेंगे, देन उसके बाद स्प्लिट के ऊपर आएंगे एंड देन उसके बाद यहाँ से इस तरीके से देख सकते हो हाफ आपको रखना है और इसे कुछ इस तरीके से फीदर कर देना है, ठीक है। देन डन करते एंड इसका भी जो ओवरले है ना इसको आके आप जस्ट यहाँ पे स्लाइड को सेलेक्ट करना, ठीक है। स्लाइड सही तरीके से वर्क करता है इसलिए स्लाइड को आपको सेलेक्ट करना है, डन करना है एंड इसका साइज को थोड़ा इंक्रीज करना है ताकि बर्ड हमारे थोड़े अच्छे तरीके से दिखे।
नाउ देख सकते हो सही हो चुका है, बट इसका में ना वर्ड बहुत फास्ट फ्लो कर रहा है, तो हम क्या करते हैं स्पीड के ऊपर जाते हैं, नॉर्मल में जाते हैं एंड इसे थोड़ा स्लो कर देते ताकि हमारा वर्ड सही तरीके से मूव करे। अब सही लग रहा है, ठीक है। देन उसके बाद आपको यहाँ पे अपना लिरिक्स ऐड करना होगा, बट देखो आप अपने वीडियो का एंड यहाँ पे जो वर्ड वाला है ना, इन सभी का वॉल्यूम जीरो कर लेना, ठीक है। तो वॉल्यूम जीरो करने के लिए वॉल्यूम के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ से जीरो कर देंगे, अपनी वीडियो के ऊपर आएंगे एंड उसके बाद यहाँ पे वॉल्यूम है इसे भी हम जीरो कर देंगे, ठीक है। तो इन सभी को जीरो कर देना क्योंकि लिरिक्स वीडियो जो हम ऐड करेंगे उसमें तो म्यूजिक होगा, तो इसलिए हमें इन सभी को जीरो करना होगा, ठीक है। देन उसके बाद फिर से हम ऐड ओवरले के ऊपर टैप करेंगे एंड लिरिक्स वीडियो को ऐड करेंगे। अब देखो ये लिरिक्स वीडियो का लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन, वहां से डाउनलोड कर लेना, अदरवाइज अगेन आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो ऐड के ऊपर हम क्लिक करते, नाउ यहां पे स्प्लाइस के ऊपर क्लिक करते, देन फिर से आप यहां पे लाइटन या फिर फिल्टर दोनों में से किसी एक को सेलेक्ट कर लेना, काफी सही है। तो मैं फिल्टर को ही सेलेक्ट करता हूं, काफी अच्छा लगता है मुझे ये, ठीक है। देन उसके बाद मैं इसे यहाँ पे एडजस्ट करते, थोड़ा सा साइज को छोटा करता हूँ, नाउ परफेक्टली ये क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे सिर्फ हमें कलर ग्रेडिंग की रिक्वायरमेंट है जो कि हमें करना होगा, सारे चीज़ें हमने कर लिया, बस हमें कलर ग्रेडिंग बहुत अच्छे तरीके से करना है, सो ये कर लेनी है हमने। नाउ वीडियो के लास्ट में आएंगे एंड जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है इन सभी को यहाँ से स्प्लिट करके डिलीट कर देंगे। देन उसके बाद हमें इसे एक्सपोर्ट करना होगा, कलर ग्रेडिंग करने के लिए हमें एक्सपोर्ट करना होगा, ठीक है। तो कलर ग्रेडिंग करने के लिए इसे एक्सपोर्ट कर लेता हूँ, देन उसके बाद इसमें हम कलर ग्रेडिंग कर लेंगे। फाइनली ये हमारा एक्सपोर्ट कम्प्लीट हो चुका है, देन डन के ऊपर क्लिक करते, नाउ न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे एंड अभी जो आपने वीडियो एक्सपोर्ट किया इसे ऐड कर लेना। कलर ग्रेडिंग बहुत ही सिंपल होने वाले, फिल्टर के ऊपर आपको क्लिक करना होगा, एडजस्ट के ऊपर आना है एंड सिंपली सा सिर्फ आपको टेम्परेचर के ऊपर क्लिक करना होगा एंड इसे कम कर देना, सिर्फ टेम्परेचर कम कर दो, देन डन करो एंड आप यहाँ पे देख पाओगे आपका कलर ग्रेडिंग हो गया और साथ ही में आपका वीडियो भी कमाल का क्रिएट होके यहाँ रेडी हो चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से करके आप ये वीडियो को एडिट कर सकते हो। ना उसके बाद एक्सपोर्टर बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे और इसी तरीके से हमारी वीडियो बनके रेडी हो चुकी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।